ऑफलाइन भी मैं मतलब पढ़ ही रहा था, जा ही रहा था, क्योंकि यार जाना तो पड़ता है। पेरेंट्स से मतलब ये तो नहीं कह सकता कि मैं क्लास अटेंड नहीं करनी, उन्होंने 2 लाख 2-3 लाख दे के कोचिंग लगवाई है, तो जाता तो था, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन भी करता था मैं। अटेंडेंस के लिए क्लास ऑन करके छोड़ देता था बस, और बाकी फिर मैंने सोर्सेज वगैरह से ही पढ़ा पूरी 12। शुरू के 12 में एक महीने पढ़ा था मैंने डेडिकेशन से, थोड़ा जोश आता है ना अंदर से, तो वो मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर वो एक महीने में मुझे मतलब पूरा जोश ठंडा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोचिंग का, तो मैं ऑनलाइन ही पूरा पढ़ने लगा था सोर्सेज वगैरह से। मतलब तूने 2-3 लाख लगा दिए कोचिंग में 1-2 महीने पढ़ने के लिए, बाकी का पूरा ऑनलाइन से ही पढ़ा तू? वही यार वही बात। तो मतलब तू बता रहा था कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वो जे का फर्स्ट अटेम्प्ट 94.36 था, एंड देन कितना 15-20 दिन बाद ही मार्च वाला अटेम्प्ट था, 14 डेज बाद था हां, तो 99.11 आ गया था तेरा तो। हां, इतना बड़ा इंप्रूवमेंट कैसे किया था तुमने? सो हेलो एवरीवन, दिस इज समर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, और आज हमारे साथ अनिरुद्ध गुप्ता है, ही इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, ही इज डूइंग हिज बीटेक फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो जरूर चेकआउट करना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड मतलब हम कल बात कर रहे थे फोन पे, तो उसके पास बहुत सारा रिसोर्सेस है मतलब जेई की प्रिपरेशन के लिए, उसने टेलीग्राम यूट्यूब मतलब उसको सब रिसोर्सेस पता है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ये डिस्कशन उसके अराउंड बहुत ज्यादा रहेगा। सो वेलकम टू द शो अनिरुद्ध। थैंक यू बुलाने के लिए। हाँ, एंड तो अपन सबसे पहले तेरे जेई स्टोरी से चालू कर देते, तो हाउ वाज योर जेई मतलब जेई प्रिपरेशन की स्टोरी कैसे दी तेरे, हाउ यू स्टार्टेड मतलब कैसा था तेरा पूरा? काफी कुछ सीखने को मिला जेई प्रिपरेशन में। 2 साल मैंने 11th में शुरू किया था, और 11th 12th मैंने कोचिंग लगाई थी मतलब ऑफलाइन, लेकिन मेजरली मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था, यूट्यूब टेलीग्राम जो सोर्स है जो तूने कहा उन सब से मेनली पढ़ा था मैंने, तो उधर से ही फिर मैंने 12th के बाद मैं आईआईटी खड़गपुर में आ गया, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो एंड तो 11th में कैसा था कोचिंग का, कैसा था 11th में तेरे? सो 11th में मैंने मतलब ज्वाइन किया था फिटजी ग्वालियर में मैं रहता हूँ। सो जैसे ज्वाइन किया मैं मतलब सिंसियरली, मेरा मतलब ये डिसीजन था, मतलब मैं यही सोचा था कि सिंसियरली पढ़ूंगा 2 साल फिटजी कोचिंग में जो लगाई है, और आईआईटी फिर क्रैक होनी चाहिए मतलब पढ़ रहे तो सिंसियरली। सो 11th मैंने अच्छे से पढ़ा, मतलब 11th में मैंने ऑफलाइन में जाता था, हर क्लास अटेंड करता था, तो मैं बेसिकली तीन बैच थे 11th के, मैं दूसरे वाले बैच में था, A01 A02 A03 तीन बैचेस थे, मतलब ये रैंकिंग थी उनकी, A01 में सबसे टॉप के बच्चे, A02 में उससे थोड़े कम के, और A03 में सबसे कम के ऐसा। तो मैं A02 में मेरा एडमिशन हुआ था, और मैं अच्छे से क्लासेस अटेंड करता था, और जो सर कहते थे वही करता था, जो सर ने बुक्स बताया वही लगाया, मतलब 11th में मेरा ज़्यादातर यही बीता है। लेकिन 11th के शुरू के 6-7 महीने मैंने यही सब किया, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि टीचर्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं क्योंकि थोड़ा ऑनलाइन पढ़ने लगा था। ऑनलाइन में कैसे पढ़ रहा था, मेरे कुछ दोस्तों वगैरह ने बताया था रिसोर्सेज वगैरह, एनवी सर एक बताए थे, तो एनवी सर को मैं थोड़ा देखने लगा था, वो मोशन मतलब कोटा में कोचिंग मोशन उसमें पढ़ाते हैं, तो उनके ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत फेमस थे, तो वो मैं थोड़ा देखा था उसके लेक्चर्स, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर मेरा रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने ऑफलाइन वाले जो सर पढ़ा रहे थे, जैसे एनवी सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मैंने जब फिजिक्स उनसे पढ़ी और अपने ऑफलाइन वाले टीचर से उनसे पढ़ी, तो मुझे रियलाइज हुआ कितना गैप है, मतलब उनकी मतलब जहाँ से लर्निंग जिस लेवल की उधर से मिल रही है एनवी सर से, वो इस लेवल की इधर से नहीं मिल पाई थी बिल्कुल भी, ना नोट्स अच्छे बनवा रहे थे, ना टेस्ट इतने अच्छे लेवल के हो रहे थे, ना मतलब पढ़ा तो अच्छा रही नहीं थे, डिलीवर भी नहीं कर पाए थे कॉन्सेप्ट से, तो वही मेन चीज़ मुझे गैप नज़र आया, इसलिए मैं थोड़ा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया था 11th से ही, मतलब 11th के एंड से, तो फिर मैंने 11th में फिर उसके बाद से एंड में ऑनलाइन ही पढ़ा। ऑफलाइन भी मैं मतलब पढ़ ही रहा था, जा ही रहा था, क्योंकि यार जाना तो पड़ता है, पेरेंट्स से मतलब ये तो नहीं कह सकता कि मैं क्लास अटेंड नहीं करनी, उन्होंने 2-3 लाख दे के कोचिंग लगवाई है, तो जाता तो था, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन भी करता था, तो 11th में तो यार यही रह जाता। एंड मतलब ये फिटजी का ग्वालियर सेंटर मतलब अच्छा है क्या, मतलब ठीक ठाक सेंटर है या फिर फिटजी ग्वालियर मतलब या देखो टाइम पर डिपेंड करता है, कभी हाईएस्ट रैंक कितना आया था उनका? मेरे टाइम में बहुत बेकार था 2021 में उसका हाईएस्ट रैंक मेरे ख्याल से 2000 समथिंग कुछ था फिटजी का, और उससे पिछले साल 2 डिजिट रैंक था कोई हाईएस्ट, और हाँ, और लेकिन वो 2 डिजिट रैंक मतलब जुगाड़ सी लाया था उनने, मतलब उनके खुद का रैंक प्रोड्यूस नहीं किया था उन्होंने, खरीदा था मतलब कह सकते हो, लेकिन जो मतलब पिछले जो 2020 वो टेस्ट सीरीज वाले रैंक्स, हाँ किसी ने फिर जी की टेस्ट सीरीज आ गए होगी तो उठा लिया वहां से रैंक उनका, हाँ वैसे ही AITS में उन्होंने लगाई थी, तो उनकी 24 रैंक आई थी शायद 2020 में,
तो उनकी रैंकिंग छाप दी थी फिटजी ग्वालियर वालों ने। ओके एंड फिर मतलब तेरे को ये ऑनलाइन का कैसा लगा कि, और तू ऑनलाइन में मतलब कैसे कैसे रिसोर्सेज थे, मतलब तूने कहाँ से ढूंढे इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज तो टेलीग्राम शुरू पे? में तो मैं मतलब दोस्त ने जो बताया था एनवी सर का, उधर से शुरुआत की थी मैंने। तो उधर से फिर मैं ऑनलाइन मतलब ये गूगल वगैरह से देखता था, फिर यूट्यूब से देखने लगा था। यूट्यूब पे भी काफी उनके लेक्चर्स मिल जाते थे, लेकिन फुल लेक्चर्स नहीं मिलते थे, ट्रायल लेक्चर्स हाँ, मिलते यूट्यूब थे। पे फुल लेक्चर अपलोड नहीं किया उन्होंने, उन्होंने जस्ट किसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड करके हाँ फर्स्ट दिया लेक्चर या ऐसा फर्स्ट कुछ। लेक्चर का भी कुछ पार्ट ऐसा करते थे जनरली वो। हाँ तो हाँ फिर मैं काफी ढूंढने लगा हर जगह पे, और फिर दोस्त वगैरह ने बताया कि यार टेलीग्राम पे इसके सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। तो फिर मैंने देखा, उनने लिंक्स वगैरह भेजी, मैंने देखा टेलीग्राम पे, मैंने सोचा यार हर कुछ अवेलेबल है। तो जो कोर्स वो 4-5-6-7 हज़ार में वो बेच रहे थे, वो इधर फ्री में मिल रहा है। सो फिर मैं टेलीग्राम से देखने लगा था, और टेलीग्राम से मैं पूरा मतलब एनवी सर, और फिर एनवी सर से तो शुरुआत हुई थी मेरी फिजिक्स में। फिर मैं केमिस्ट्री में भी देखने लगा था, और मैथ्स के भी लेक्चर देखने लगा था। मैथ्स में जीबी सर उधर टूल्स के हाँ लेक्चर जीबी था। सर, अरे मैंने भी देखे थे उनके, बट मैंने यूट्यूब पे ही देख लिए थे उनके, यूट्यूब पे किसी ने अपलोड कर दिए थे मेरे, तब हाँ देख लिए थे मतलब उनके लोग अपलोड लेक्चर। करते रहते मैंने हैं ना। परमिटेशन और कॉम मैं परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का उनसे ही देखा था, बट उन्होंने लगेज डिलीट कर दिए थे वो हाँ डिलीट हो सब एक जाते दो हैं, महीने में। मतलब यूट्यूब में हाँ चलता रहता है, लोग कॉपीराइट अपलोड से। करते रहते हैं और डिलीट होते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। लेकिन टेलीग्राम पे हाँ टेलीग्राम पे भी मतलब कॉपीराइट ऑब्वियसली पड़ता है, लेकिन टेलीग्राम यूट्यूब से थोड़ा ज्यादा हाँ सिक्योर है इन सब चीजों के मामले में। मतलब पायरेसी ज्यादा होती है हाँ टेलीग्राम पे, सिक्योर, पायरेसी ज्यादा बहुत है पायरेसी होती है। वहाँ पे मूवीज वैसे अपलोड करके रखी है। एंड तो यूट्यूब पे तू क्या क्या फॉलो करता था यूट्यूब पे? टेलीग्राम तो चलो अभी अपन इतना सपोर्ट नहीं करते पायरेसी को हाँ ऐसा, काफी पायरेसी। बट यूट्यूब पे क्या क्या करते, कैसे कौन से रिसोर्सेज फॉलो तो करते यूट्यूब पे काफी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के रिसोर्सेज हैं। मतलब अपन जनरली लगता है थे? कि यार फ्री रिसोर्सेज है तो मतलब सब कुछ नहीं होगा, पूरा कंटेंट नहीं होगा, और अच्छे लेवल पे भी नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छे लेवल पे भी है, और मतलब पूरा कंटेंट है उधर। 11th 12th ओलंपियड लेवल तक का मतलब पढ़ सकते हो थ्रू यूट्यूब ओनली। बस उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है, और पता होना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज रिसोर्सेज वगैरह हैं। तो देखो यूट्यूब में अगर किसी को 11th 12th पूरी निकालने यूट्यूब से अकेला, 11th 12th वो भी अच्छे लेवल पे, जेईई एडवांस लेवल पे या फिर ओलंपियड लेवल पे, तो उसके लिए मैं यही सोर्स मतलब रिकमेंड करूंगा। एक चैनल है जो मोहित त्यागी सर का चैनल है, उन मतलब जनरली लोग जानते ही हैं, लेकिन कई मैं नहीं जानता था, ऐसी कोई सोर्स नहीं जानते होंगे। मोहित त्यागी सर का चैनल है, मतलब मोहित त्यागी के नाम पे ही है। तो उनने हाँ पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है, मतलब मैथ्स उनने पढ़ाई है, और केमिस्ट्री, और मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबके अलग अलग टीचर्स हैं, फिजिक्स के भी अलग अलग टीचर हैं। लेकिन सब टीचर बहुत ही अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं। कंपटीशन उनका जो कोचिंग का नाम है, तो उधर से मैंने मतलब आखिर में क्रैश कोर्स भी किया था, चार ट्रस्ट हो गया था मुझे उनकी कोचिंग पर। तो उनका पूरा यूट्यूब का पूरा वो देखा मैंने, पूरा तो नहीं देख पाया था क्योंकि मुझे लेट पता चला था, मेन चीज़ ये थी। आप लोगों को अभी पता चल रहा है, आपको मतलब काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लेट पता चला था ये, मुझे 12th में पता चला था ये सोर्स। जब तक मैं, मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ था, बट मतलब हो गया था काफी, 80% तक तो हो गया होगा सिलेबस कंप्लीट, इसलिए मैं उधर इतना फॉलो नहीं कर पाया था, क्योंकि तो वो एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। लेकिन बेसिक्स मेरे क्लियर थे, इसलिए मैं फिर मैंने देखे नहीं, लेकिन कुछ कुछ के देखे थे मैंने, टॉपिक वाइज देखे थे। जैसे मेरा थर्मोकेमिस्ट्री वीक था, तो मैंने थर्मोकेमिस्ट्री उधर से ही पढ़ा था, और थर्मोकेमिस्ट्री के एक दो लेक्चर्स या फिर मतलब सीरीज थी उसकी थर्मोकेमिस्ट्री की, एक दूसरे से ज्यादा ही लेक्चर्स थे, तो वो देख के मुझे इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ गई थी थर्मोकेमिस्ट्री के, सारे सवाल बनने लगे थे, और सोर्सेज वगैरह भी बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि एन अवस्थी लगा लेना इसकी, तो ये सब उन्होंने काफी बताया था। तो वो मैंने फॉलो किया, और मुझे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हुई थी, उससे पहले मुझे आती भी नहीं थी बिल्कुल, बहुत डाउट्स थे उसमें। तो हाँ उधर से मुझे पता चला मतलब कि मैंने हाँ एक बंदे के साथ अभी इंटरव्यू किया था ऋषभ आनंद करके, तो उसने भी यही बोला कि उसने भी पूरा 12th से कंपटीशन वो मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा है पूरा। तो अरे उस वीडियो पे वो मोहित त्यागी सर के कमेंट भी आई थी, हाँ देखा था मैंने, तो मतलब बहुत सही है, मतलब कि बहुत सही, उन्होंने पूरा ही डाल दिया है, मतलब क्या ही रह गया। मतलब सब अगर कुछ डाल दिया उन्होंने। कोटा के टीचर्स ऊपर से मतलब वहाँ के टॉप के कोचिंग्स के टीचर्स थे वहाँ पे पढ़ा देते, तो अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो जरूर यूज करिए। एंड और क्या कहता तेरा, और मतलब ये इसका बता ना 12th का, मतलब तूने 12th ये किए नहीं का ऑफलाइन कोचिंग से फिर? ऑफलाइन कोचिंग थे उस समय, कोविड आ गया था, 2020 की बात हाँ है, तो हाँ 2020 में क्या कोविड आ गया था, तो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो गया था। तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा फिर सही रहा, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन ही पढ़ रहा था, मतलब जो अलग अलग सोर्सेस है, तो फिर मैं ऑनलाइन मतलब जो क्लासेस है उन्हें खुली छोड़ देता था अटेंडेंस के लिए, बाद में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी।
लेकिन मतलब मैं खुली छोड़ हाँ देता था, हाँ क्योंकि ये था कि यार जब तुम्हारे मतलब सब सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा उसके बाद ये लोग प्राइजेस वगैरह देंगे कोचिंग वाले, तो प्राइजेस वगैरह मिले तो है हाँ नहीं, मतलब जब अटेंडेंस हो पाएगी तभी तो देंगे यार वो, जब अटेंडेंस ही नहीं है तो प्राइजेस नहीं उनका मिलते हैं। अटेंडेंस का कुछ तो इश्यू होता हाँ है। हाँ इसलिए मैं अटेंडेंस के लिए क्लास ऑन करके छोड़ देता था बस। और बाकी फिर मैंने हाँ सोर्सेज वगैरह से ही पढ़ा पूरी 12th, शुरू के 12th में 1 महीने पढ़ा था मैंने डेडिकेशन से, थोड़ा जोश आता है ना अंदर से तो वो मैंने पढ़ा था, लेकिन हाँ फिर वो 1 महीने में मुझे मतलब पूरा जोश ठंडा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कोचिंग का, तो मैं ऑनलाइन ही पूरा पढ़ने लगा था सोर्सेज हाँ वगैरह मतलब तूने 2-3 लाख लगा दिए कोचिंग में से। 1-2 महीने पढ़ने के लिए, बाकी का पूरा ऑनलाइन से ही पढ़ा तू। वही यार वही हुआ, वही होता है जनरली हर हर लोगों के साथ, मतलब काफी लोगों के साथ हुआ है। हाँ बट ये मैटर नहीं करता ना कि तूने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, सिलेक्शन मैटर करता है। हाँ अगर तू सिलेक्शन हो ऑफलाइन में ही गया, रहता और नहीं होता तो फिर क्या ही फायदा हो 2-3 लाख वेस्ट करने मतलब का, मेन पर्पस सिलेक्शन इससे तो था सही निकला बस। तेरा। हाँ मेन सिलेक्शन है, कहाँ से भी पढ़ो सिलेक्शन आना चाहिए जैसे। एंड तेरा क्या व्यू है, मतलब ये ऑनलाइन, तू जब ऑनलाइन ये लेक्चर्स वगैरह करता था तो तुझे कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई, मतलब कुछ देख ऑनलाइन ऐसा में डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शंस है हाँ ना। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत यूट्यूब पे है, लेक्चर देख रहा हो और एक वीडियो रिकमेंडेशन में आ गई तो जरूर तू देखेगा ना वो अब वीडियो वो भी चीज है। अच्छी देखो वीडियो। जब मतलब मैं हाँ जो चैप्टर्स वगैरह है वो टेलीग्राम से ही करता था, टेलीग्राम में ऐसा कुछ नहीं है ना, टेलीग्राम पे सिर्फ हाँ टेलीग्राम पे यूट्यूब तो नहीं मतलब है। जो वीडियोस है वो अपलोडेड है तो वही देखता था मैं लेक्चर वाइज पार्ट वाइज है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यूट्यूब में जनरली आखिर जाके टाइम में बहुत ज्यादा फॉलो किया है मैंने, क्योंकि उसमें क्या है कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज थी, तो उनके लिए मैंने काफी फॉलो किया यूट्यूब को। बाद बाद में बीच में भी मैं करता था, कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया थर्मोकेमिस्ट्री, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली यूट्यूब पर गया था मैं सीखने के लिए, तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते तो मैं यूट्यूब पर चला जाता था। तो मतलब तो मोस्टली टेलीग्राम से ही पढ़ता था। हाँ मतलब 11th 12th में तो जो सिलेबस है वो टेलीग्राम से किया मैंने सिलेबस। हाँ ये भी सही चीज है ना, क्योंकि टेलीग्राम पे तो तुझे डाउनलोड ही करना पड़ता होगा हाँ वो डाउनलोड कर उनके लो या लेक्चर्स, फिर तो डायरेक्टली देख डाउनलोड, लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डाउनलोड ये बेस्ट चीज है। अगर किसी को पढ़ना है तो डाउनलोड करके देख लो, क्योंकि वहां पे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई सीधा नहीं डाउनलोडेड होगा लेक्चर्स, तो ये सही है। एंड मॉक्स का क्या सीन था तेरा, मतलब तू फिट जी की देता था क्या फिर मॉक्स? मॉक्स, देखो 11th में यार मैंने थोड़ा बहुत दिया, UITA चलता था ऑल इंडिया सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, तो वो मैं थोड़ा बहुत देता था, मेरे अच्छा रैंक भी नहीं आता था। 12th में मैंने मतलब 12th में जैसे फिटजी से मैं इतना पढ़ता नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया मैं ऑनलाइन ही पूरा पढ़ता था, तो मेरा सेल्फ स्टडी था, मतलब वो मैं किसी के ऊपर मतलब कोई मुझे गाइड नहीं कर रहा कि अभी मॉक लगाओ अभी चैप्टर खत्म करो मतलब अभी लेक्चर देखो, ऐसा कुछ मेरा गाइडेंस कोई नहीं था, मैं खुद ही कर रहा था जो कुछ कर रहा था, तो इसलिए मैंने मॉक पे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। 12th मेरा पूरा बिना मॉक के भी था, मतलब थोड़ा बहुत बीच बीच में एक आध लगा लिया तो लगा लिया, वरना ज्यादा मॉक लगाता नहीं था मैं। फिजी में कभी कभार चलते रहते थे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं वो दे देता था मैं, तो उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक ठाक था मतलब नॉर्मल था, तो बस वही चला हाँ मेरा। फिर बाद में बात के टाइम में बट मैंने तेरे को मॉक ये लगा ऐसा लिया। बाद में नहीं लगा कि अब पहले मॉक टेस्ट दे देने चाहिए थे, क्योंकि हाँ बाद में मुझे ऐसा पता लगा, नहीं चलता है ना कि आपने पढ़े कहाँ तक गई, हाँ वो और तू चीज सिर्फ है, पढ़ रहा है और वो भी खुद से ही पढ़ रहा है तो हाँ वो वो रियलाइज मैंने, होने हाँ में वो बहुत काफी ज्यादा गलती की वो। मैंने, वो मैं बताना चाहूंगा आपके स्टूडेंट्स को भी हाँ कि यार ये गलती कभी मत करना कि मॉक आप लगा ही नहीं रहे, जैसे मैं तो खुद का सेल्फ स्टडी था, कोई हाँ गाइडेंस वाला था नहीं इसलिए मैं मॉक लगाता ही नहीं था, मैं थ्योरी 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 बस, थ्योरी प्लस रिविजन और यही दो चीजों पर ध्यान था मेरा, और ये सब मैंने 12th के एंड तक किया, तो उसके बाद मैंने काफी ज्यादा मॉक लगाए थे, वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब आप पूछेंगे ऑब्वियसली तो मैं सब बताऊंगा पूरा कि हाँ 12th के बाद मैंने कैसे किया। कोई जब मेरी फेब्रवरी में जो परफॉर्मेंस रही थी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने काफी मॉक लगाए उसके बाद, मेरा उसके बाद वाले अटेम्प्ट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई थी मॉक की वजह से। हाँ अभी अपन वही बात करते हैं कि तेरा, तू मतलब तू बता रहा था कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वो जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में 94.36 था, एंड देन कितना 15-20 दिन बाद ही मार्च वाला अटेम्प्ट था है ना, 14 days तो बाद था उसमें मार्च वाला। तेरा 99, हाँ तो 99.11 आ गया था तेरा, तो हाँ इतना बड़ा इंप्रूवमेंट कैसे किया था तुमने? ये इम्प्रूवमेंट मतलब 14 days में ही था पूरा, मतलब उसके मतलब जब मैंने ये अटेम्प्ट दिया था फेब्रवरी वाला तो तब मैं इतना प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैंने ज्यादा मॉक लगाए नहीं थे, तो मुझे लगा था कि अच्छा खासा चला हाँ तू सिर्फ जाएगा, पढ़ रहा था, मतलब थ्योरी सिर्फ वगैरह, लेक्चर देख हाँ रहा था और थ्योरी खुद से आती सॉल्व है, कर रहा था। थ्योरी आती है, प्रॉब्लम्स करने आते हैं, सब कुछ आता है तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन फिर जब मैंने दिया पेपर हाँ फेब्रवरी वाला और मेरा अच्छा भी गया था वो, तो मुझे तो मतलब जब मैं पेपर देके आया तो मुझे काफी मतलब एक्साइटमेंट हुआ था, मैं मतलब यूट्यूब पे देख रहा था पेपर एनालिसिस वगैरह, लाइव पेपर एनालिसिस चलती है काफी, मतलब अन अकेडमी वगैरह सब चलाते हैं,
तो वो सब मैं देख रहा था कि मेरा कौन सा सवाल सही हुआ कौन सा गलत हुआ, तो उधर से मतलब मुझे पता चला कि काफी सारे मेरे गलत भी हो गए। तो मेनली मतलब मैं करके तो बहुत कुछ आ गया था, 300 नंबर का पेपर था तो उसमें से मैं 200+ का अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन मेरे मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे उसमें। और फिर मुझे पता चला कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ सवाल मैं कर नहीं पाया ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब स्पीड कम थी मेरी काफी, तो इन सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा मार्क्स खा गया था। तो वो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी 14 डेज बाद, मतलब ये सब चला टिल द रिजल्ट डेट, मतलब 5-6 दिन बाद रिजल्ट आ गया था उसका। तो जब रिजल्ट आया तो मेरी आंखें खुली एकदम कि इतनी कम परसेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 98-99, और 98 तो थोड़ा 99 ही कर रहा था क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गया था, खुद से मुझे ऐसा लग रहा था कि अटेम्प्ट में काफी नंबर का कर गया था। लेकिन जब 94.36% आई तो मुझे काफी दुख हुआ, और मतलब फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ मतलब धंधा करना पड़ेगा। 11-12 तो पढ़ी है यार, बहुत पढ़ी है, मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यार मैंने ढंग से नहीं पढ़ी, मतलब प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर प्लान्ड वे में, कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ा मैंने। तो फिर मैंने अपना एनालिसिस किया फेब्रुअरी वाले पेपर का कि मैंने गलतियाँ क्या क्या की था। तो मैंने खुद पेपर ला के देखा, 2-3 घंटे बैठा और उसमें देखा मैंने कहाँ गलती की, कहाँ गलत की है और क्यों गलत की है, क्यों हो रहे हैं गलत। तो उससे पता चला कि यार मेरी एक तो स्पीड बहुत कम है, दूसरा मैं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर जाता हूँ, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कभी कुछ सोच नहीं पाया, जल्दी से टिक लगा दिया आंसर, तो ये सब हो जाता है। तो अब ये सब कब सीखने को मिलेगा? जब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर ये सब लगाओगे तब सीखने को मिलती है चीज़ें। अब ये मैंने दिए थे नहीं, इसलिए मतलब ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा आती नहीं थी। तो वही मुझे रियलाइज हुआ कि यार मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए नहीं है, अब तो मॉक टेस्ट ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा मतलब थ्योरी आती है मुझे, रिविजन सब है, सब कुछ याद है, प्रॉब्लम्स भी करना आता ही है, लेकिन मेन है कि जो एग्जाम टेम्परामेंट स्किल्स होती हैं वो कुछ नहीं आता मुझे, उसमें मैं बिल्कुल जीरो था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मॉक टेस्ट तो ही मॉक टेस्ट लगाऊंगा अब तो। वैसे ये इतना सही भी नहीं है कि दिन में मैं 2 मॉक टेस्ट लगाता था और 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट रहता था, और उसमें भी एनालिसिस करोगे तो 1-2 घंटे लग जाते थे, 2 घंटे मान लो तो 5 घंटे का एक मॉक टेस्ट हो गया। तो मैं दो दो लगाता था ये, मैंने मतलब 4-5 दिन 6 दिन तक लगातार लगाए थे 2 मॉक टेस्ट पर डे। सेम स्टोरी भाई, सेम स्टोरी। मेरा भी ऐसे हुआ था। मेरा फेब वाले अटेम्प्ट में मेरा 96 आ गया था परसेंटाइल। एंड देन मेरा भी सेम ही हुआ था कि मतलब इतना मुझे मुझे भी लगा था कि 98 तो ईजी जाएगा, 98-99। एंड मेरा फेब में 96 आ गया था। देन मेरा भी मार्च वाले अटेम्प्ट में 99 आ गया था, वही 14 डेज वाला। मैं भी ऐसा दो दो मॉक टेस्ट ही लगाता था उस टाइम पे, क्योंकि लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना हाँ सच बहुत में। हेल्प क्योंकि करता है। तुम ऐसा 3 घंटे अगर तुम पेपर दे रहे हो तो तुम 3 घंटे स्ट्रेट बैठते हो। अगर तुम बुक बुक से सॉल्व कर रहे हो या किसी मटेरियल से सॉल्व कर रहे हो तो तुम 3 घंटे ऐसा एकदम प्रॉपर फोकसली पेपर नहीं देते, कुछ सॉल्व नहीं करते। तो अगर टेस्ट दे रहे हो तो मतलब पूरा मतलब 6 घंटा तो एकदम कंप्लीट फोकस था, कंप्लीट प्रोडक्टिव। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि दो दो मॉक टेस्ट मतलब मैं देते। वैसे ये मतलब भी था कि 3 घंटे एक्सट्रीम हाँ। चीज है, ये एक्सट्रीम चीज है अगर पहले नहीं दिए तो। बट ये मुझे भी अच्छा लगा कि दो दो लेकिन मॉक मैं टेस्ट रेकमेंड देते। यही करूंगा कि 11-12 दो यार मॉक टेस्ट, दो हाँ साल स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग से चालू कर 14 दिन में दो। मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, अगर आप 2 साल लगा रहे हो लगातार तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हाँ यही कि क्योंकि ऑफलाइन में तो होता है कि उन लोगों के शेड्यूल होते हैं मॉक शेड्यूल टेस्ट होता और है हाँ देने ही पड़ते हैं। मतलब अगर ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो सब लोग दे रहे हो, तुम्हें भी देना ही पड़ेगा। बट ऑनलाइन में यही है कि दिया नहीं दिया किसको फर्क पड़ता है। एंड देन उसके बाद एडवांस का क्या सीन था तेरा? मतलब तेरा मार्च वाले में 99.11 आ गया था, उसके बाद एडवांस का क्या सीन था तेरा? एंड उसका हाईएस्ट 99.22 आया है। 22 ना, राइट? कितना आया था तेरा हाईएस्ट? 99.22 हाँ, उसका फोर्थ अटेम्प्ट में 99.22, तो उसका मतलब हाईएस्ट परसेंटेज 99.22 थी। एंड उसके बाद तेरा एडवांस का कैसा सीन था? तो जब मार्च वाला अटेम्प्ट मतलब फेब टू मार्च तो मैंने उस पर ही फोकस किया, मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो मेंस भी फोकस किया था। ऐसे मार्च वाला हो गया था तब मार्च वाला देखे भी मैं खुश था काफी, लेकिन फिर मुझे डाउट था थोड़ा कि यार फेब का अटेम्प्ट देने पर आदमी मैं बहुत खुश था लेकिन रिजल्ट बहुत बेकार आया था, तो मार्च वाले के बाद भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सही नहीं रहेगा, इसलिए फिर मतलब मैं रिजल्ट तक रुका, ज्यादा मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं तब। तो जब रिजल्ट आया तब पता चला कि बहुत अच्छा नंबर आया है, पिछले के कंपेरिजन में रिलेटिवली काफी अच्छा आया है। हाँ मतलब 94 से 99 मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। हाँ कितना? 60,000 रैंक इम्प्रूवमेंट है ऑलमोस्ट। हाँ 50-60,000 बहुत मान ज्यादा लो। इम्प्रूवमेंट 14 डेज में 60,000 रैंक। तो वो सब हुआ एंड देन उसके बाद कैसे हाँ, गया जैसे वो? रिजल्ट आया उसके बाद फिर मैंने यही ठान लिया था कि यार एडवांस भी फोकस करना है अब तो, 99.16 में ठीक ठाक NIT वगैरह मिल जाएगी और मतलब कॉलेज सही मिल जाएगा, तो कॉलेज तो मेरा सिक्योर था। हाँ अब बस मेरा ये एम था कि अब एडवांस में IIT निकालनी अच्छी लेवल की, मतलब अच्छी IIT अच्छी ब्रांच में मिल जाए, तो वो सब एम था मेरा। तो फिर मैं एडवांस में फोकस करने लगा था, मतलब फिर मैंने काफी फिर यूट्यूब से ही पढ़ता था मैं,
फिर मैंने मतलब सिलेबस तो कंप्लीट था ना, टेलीग्राम से कुछ पढ़ता नहीं था, फिर मैं यूट्यूब से ही, फिर मैं बेसिकली करता था कॉन्सेप्ट्स वगैरह करता था, फिर पूरा एम था मेरा रिवीजन का, रिवीजन वगैरह पे ही ध्यान देता था मैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी वीक चल रही थी मेरी, तो एम के ये सर है एक आईआईटीएन एक्सप्लेन नाम से उनका चैनल है, आईआईटीएन एक्सप्लेन। हाँ, आई आई टी एस एक्सप्लेन्स पता है हाँ वो, बहुत सारे भाई एकदम सही वाले बहुत सही हो, सर है ऑर्गेनिक के लिए ना एकदम सही, सभी पढ़ाते हैं तो और उनके। सब है वहाँ पे, सब हाँ पढ़ा हुआ है वहाँ उनका पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर चेकआउट का, करना आई आई टी एस उनका एक्सप्लेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा था, क्रैश कोर्स उसी समय लॉन्च हुआ था वो, तो मैंने सोचा कि यार अटेम्प्ट हुआ है इसके बाद लॉन्च कर दे क्रैश कोर्स, तो उसी को फॉलो करता हूँ मैं। 3-4 महीने का क्रैश कोर्स था, यूट्यूब पे ही चल रहा था फ्री था एकदम, तो फिर मैंने वही हाँ उसको मैं फॉलो करने लगा अच्छी तरीके से, और वो देखता था मैं काफी क्रैश कोर्स देखता था, और ऐसे मैंने काफी सारी चीज ज्वाइन कर ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं रिवाइज करता था ज्यादातर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने की चीजें रहती हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नोट्स वगैरह बनाए लगा था अच्छे से, शॉर्ट नोट्स मेरे रेडी नहीं थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह, तो वो मेरे ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर्ड वे में एक जगह थे नहीं हो, तो मैं एक जगह लिख रहा था उस समय और याद कर रहा था। मैथ्स में मेरी पूरी प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत प्रैक्टिस कर रहा था मैथ्स में, फिजिक्स में भी सेम चल रहा था प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट वगैरह इंप्रूव कर रहा था, तो यही सब चल रहा था उसके बाद एडवांस में। और फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसमें मैंने मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया मीन्स में, 98 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटाइल आई थी मेरी उस समय थर्ड हाँ, अटेम्प्ट अरे में, मतलब 9 दिन आ गए उसके बाद तो कौन ही ध्यान देता है तो ध्यान नहीं दिया था इतना, मैंने। कि सब सब एडवांस पे फोकस करते 99 के बाद तो। हाँ इसलिए फिर मैं एडवांस पे ही कर रहा था उसके बाद भी, लेकिन जो फोर्थ अटेम्प्ट आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार 99.16 भी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, मतलब अच्छा लगता ही है ना जितनी भी अच्छी मिल जाए हाँ अपन को, अपन लगता है कि और अच्छी हाँ होनी चाहिए। हाँ मतलब एक बंदे को लाया था मैं इंटरव्यू के लिए, तो उसका बैचमेट था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% आई थी जी मेंस में, अच्छा और उसने फिर भी दिया था अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट उसमें उसका 100% आ गया था, सीधा 300 out of 300 सब लोग देते भाई, देते ही मतलब वही सबको थोड़ा लगता है कि थोड़ा तो हो ही जाएगा सा तो हो इम्प्रूव। जाए। हाँ थोड़ा थोड़ा, एंड देन उसके बाद क्या था तुम्हारा, 99 point कितना, 2-2 आ गया हाँ उसमें। अप्रैल वाला अटेम्प्ट, मतलब जो अप्रैल वाला नहीं था शायद, आखिरी अटेम्प्ट था, मे अटेम्प्ट था शायद। हाँ हाँ तो उसमें मेरा 98.22 आ गया, मैंने तो ध्यान तुमने दिया था मतलब ज्यादा। ये आई टी एस एक्सप्लेन एक लिया था चैनल, मतलब फ्री था मतलब इसको वो, फॉलो किया एंड था और मैंने कौन से काफी। लिए थे तुमने? हाँ फिजिक्स गैलेक्सी एक बहुत अच्छा चैनल है, फिजिक्स गैलेक्सी। हाँ फिजिक्स गैलेक्सी। आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं उसमें, तो वो फिजिक्स के लिए बेसिकली, और उसमें काफी मतलब उसमें वैसा नहीं पूरा कंटेंट नहीं है कि यार फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, मतलब जो काइनेमेटिक चैप्टर है ऐसा नहीं है, मतलब उनने पूरा कोर्स अपलोड नहीं किया, सिलेबस अपलोड नहीं किया, लेकिन उन्हें क्रैश कोर्स टाइप अपलोड कर रखे हैं, उनने काफी बीच बीच के हाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं, उनने छोटी छोटी वीडियोज में पूरा लेक्चर अपलोड कर, मतलब पूरा टॉपिक अपलोड कर रखा है, जैसे सेमी कंडक्टर से एक टॉपिक है चैप्टर है ठीक है, तो उन्हें सेमी कंडक्टर पूरा छोटी सी वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में पूरा मेन्स लेवल को सेमी कंडक्टर समझाती है, पढ़ाती है पूरा, एडवांस में तो आते भी नहीं, मेन्स के लिए होता है तो पूरा ऐसा हाँ पढ़ा मेंस देते के लिए हो, टॉपिक। तो उसको मैंने बहुत फॉलो किया था, और उनके क्वेश्चन सॉल्विंग भी एक चेकलिस्ट थी जो प्रॉब्लम हाँ सॉल्व करते हाँ थे वो वो, एडवांस की चेकलिस्ट, हाँ एडवांस उसको मैं की बहुत फॉलो वो किया, बहुत सही क्वेश्चंस है, बहुत सही बहुत क्वेश्चंस फॉलो किया है, था मैंने मैंने उसे। भी वो फॉलो किया था, एकदम सही क्वेश्चंस है। उनकी बुक भी है, उन्होंने उनकी बुक ली थी क्या तूने? उनकी बुक थी लेकिन मैंने मतलब मैं ऑफलाइन नहीं लेना चाहता, हार्ड कॉपी मैंने सोचा ऑनलाइन मिल जाए, ऑनलाइन में बहुत ट्राई किया लेकिन ऑनलाइन नहीं मिल रही थी, बहुत जुगाड़ के लिए हाँ ट्राई किया तो मतलब नहीं मिली। ओके, एंड देन उसके बाद, और तूने कंपटीशन भी ज्वाइन किया था ना, तो उसका कैसा था कंपटीशन यार? मैंने आखिरी 1 महीने ज्वाइन किया, जैसे जो आखिरी अटेम्प्ट था मेंस का, जब उसका रिजल्ट आ गया था ना जब, तो मैं भी मतलब 98.22 आ गई थी मेरी, तो मतलब काफी कुछ तो था ही भाई, लेकिन उसके बाद था कि यार एडवांस में 1 महीना ही बचा है बस, एक या 1.5 महीना बचा था बस, तो एडवांस के लिए फुल अच्छी तरीके से पढ़ना है यार, एडवांस निकालना, मेन्स तो ठीक है लेकिन मेन एम अपना है आईआईटी में जाना, हाँ तो वो निकालना था, तो उसके लिए मतलब यही सोचा कि यार पढ़ाई तो खुद से कर रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पा रही, मतलब मैं क्या है बैठ नहीं पाता था बहुत देर तक पढ़ने के लिए, तो मेरा क्या है कोई हाँ यार कुछ किसी को चीज़ को ज्वाइन करूँ मैं तो ज़्यादा सही रहेगा, तो तभी लॉन्च हुआ कॉम्पिटिशन का ये क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा था, जो कि जिनकी 98 परसेंटाइल से ऊपर है ना उनके लिए फ्री था ये क्रैश कोर्स, तो मेरी तो थी, हाँ तो मुझे लगा कि यार फ्री है मेरे लिए और मतलब कितनी अच्छी कोचिंग से है ये क्रैश कोर्स, मतलब तो मैंने सोचा कि यार चले ही जाते हैं बढ़िया है, क्रैश कोर्स मुझे करना भी था, तो मैं उधर ही गया क्रैश कोर्स में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, 1 महीना बहुत सही पढ़ाया मैंने, मतलब एडवांस जब एडवांस 3 अक्टूबर डेट थी शायद एडवांस की, 3 अक्टूबर को हो रहा था, हाँ 3 अक्टूबर और तो 15 को रिजल्ट आ गया था। अक्टूबर 1 अक्टूबर तक उनकी क्लासेस लगी थी, 1 अक्टूबर तक उन्हें काफी अच्छा ओ पढ़ाया था, मतलब लगातार पढ़ाते रहते ये सब चल रहा था, तो
उसमें क्या है बेसिकली एक महीने का पूरा उनका पहले शेड्यूल आ गया था कि क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से दिन क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक दिन एक चैप्टर और तीनों सब्जेक्ट के, मतलब फिजिक्स की अलग एक घंटे, मतलब एक या दो घंटे की, केमिस्ट्री की अलग एक या दो घंटे की, और मैथ्स की अलग एक या दो घंटे की क्लासेस लगती थी। और उन क्लासेस रिकॉर्डेड रहती थी, लाइव नहीं रहती थी। रिकॉर्डेड में क्या रहता था, पूरा क्रैश कोर्स टाइप था, मतलब क्रैश कोर्स तो था ही लेकिन शॉर्ट में समझा। हाँ, मतलब अगर लाइव रखेंगे तो मतलब वो एक महीने में कवर भी नहीं होता, नहीं होगा कुछ आ गया बीच में, रिकॉर्डेड में एकदम शेड्यूल टाइप हो सकता है रिकॉर्डेड। तो वो एक दो घंटे की क्लासेस में बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कराते, कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं कराते, क्योंकि यार तुम मेंस क्लियर करके आए तो भाई 98% से ऊपर है, कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आते ही होंगे। तो बेसिकली क्वेश्चंस कराते थे, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाते थे, जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे लेवल के जो एडवांस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो सब क्वेश्चंस के थ्रू समझाते थे। बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे, मतलब मैं तो काफी कुछ सीखने को मिला, और प्रॉब्लम्स मैंने अच्छे से की, और डीपीपीज वगैरह भी देते थे। तो मतलब एक दिन तुम्हें डीपीपी दे तो अगले दिन तुम्हारी कंप्लीट चाहिए, ये सब था। मतलब अब ये वाली चीज सही था, मतलब उनका है ना क्रॉस, बहुत सही था। और जिनका 98+ आ रहे हैं वो तो सभी लगा लो, या फ्री है अभी भी, फ्री है क्या या अभी पेड़ हो गया? नहीं, वो क्रैश कोर्स यूट्यूब पे नहीं था, वो उनके ऐप में था। तो वो तब ऐप में अभी भी फ्री है क्या, अगर 98% आ गए अभी का? मुझे शायद अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया, शायद अभी मेंस के बाद करेंगे, मेंस के बाद ही करते हैं हर साल शायद। वो तो खत्म हो गया ना, मतलब हटा देते, डिलीट कर देते पिछले साल का। And what are your learnings from JEE preparation? काफी कुछ सीखने को मिला। खुद से पढ़ा है तो what are your real learnings? देखो यार, काफी कुछ सीखने को मिला, मतलब मुझे खुद के बारे में सीखने को मिला यार। देखो पहले मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पाता था पढ़ने, 10th तक मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, लेकिन जब 11th से आए, मतलब काफी दोस्त वगैरह भी बने 11th में, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते थे जब, तो दोस्त वगैरह भी मिले और पढ़ाई शुरू की जब, तो मैं मतलब पढ़ना सीखा एक्चुअली, पढ़ते कैसे हार्ड हार्ड कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में, मतलब जो थ्योरी में पढ़ा है क्वेश्चन में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, यूज कैसे करें, तो वो सब काफी कुछ सीखा है, डिसिप्लिन सीखा है, और काफी मतलब ये सब ऐसी चीजें काफी सीखते हैं अपन जेई से। पेशेंस सीखा है, मतलब पेशेंस तो यार तुम्हें भी पता होगा कि अपना जेई मेन कितना ज्यादा पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन होता गया होता गया, आधा साल पूरा पोस्टपोन भी, और अभी इन लोग का भी पोस्टपोन हो रहे हैं, इनका तो बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो रहा है, अपने जैसे ही चल रहे हैं, बहुत पोस्टपोन हो गया इनका भी। तो पेशेंस वगैरह भी काफी सीखा, तो काफी स्किल्स वगैरह सीखने को मिलती हैं, पर्सनल डेवलपमेंट वाली स्किल्स रहती हैं, तो फ्यूचर में यार बहुत काम आती है सब स्किल्स। प्रिपरेशन ही मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिजल्ट से, अगर किसी का नहीं हुआ फिर भी वो मतलब बहुत ही मायने रखती है वो प्रिपरेशन, दो साल पढ़ाया आपने तो ऑफकोर्स, अगर कोई सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लाइफ टाइम हेल्प करती है, वो ऐसा ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं तो मतलब क्या ही है उसका। एंड हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन यू क्रैक जी, कैसा था जब तेरा रिजल्ट देखा? देखो एडवांस जब हुआ था तो मतलब एनालिसिस वगैरह आ गए थे सब पेपर्स वगैरह की, तो मैंने देखा था, मतलब मैं तो काफी मतलब ठीक ठाक, मतलब मैं मॉडरेट था, इतना मेरा ये नहीं था कि बहुत अच्छा गया, क्योंकि उसके दो उसमें होते हैं ना, तीन तीन घंटे के दो स्लॉट्स में होते हैं। तो पहला स्लॉट तो मेरा बहुत अच्छा गया था, पहला स्लॉट में मतलब एकदम मचाया था मैंने, दूसरा स्लॉट था बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया था थोड़ा, तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, मुश्किल ही था इतना सही ना, तो बहुत बकवास पेपर था पार्ट टू, भली सबका बेकार गया हो लेकिन मेरा भी बेकार गया ना, थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। तो मेरा था मतलब ये सब नहीं था कि यार बहुत अच्छा जाएगा पेपर ये सब, तो मेरा रैंक मैंने ये भी देखा था कि मतलब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो मार्क्स भी मेरे ऐसे ही मतलब इतने अच्छे नहीं आ रहे थे मार्क्स, और जब मैंने सब वेबसाइट्स वगैरह से देखा कि यार इस मार्क्स के हिसाब से कौन सी रैंक मिलेगी, लोग देखते ही हैं मतलब जो है, तो बट वो सब बकवास थे, बकवास था, मतलब मैं भी देख रहा था, मतलब कुछ भी रैंक बता रहे थे ऐसा 10-20 रैंक बता रहे, मेरा भी बहुत मतलब बहुत डर गया था मैं भी कि अरे क्या बोल रहे हैं ये लोग, आएगा कि नहीं, मेरा 8-9 हज़ार बता रहे थे, बहुत ही बेकार रैंक बताए थे, 8-9 हज़ार में तो कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन इसने बताया था तो उसमें ही थोड़ा डिप्रेस हो गया था मैं कि यार ये सब तो बहुत ही कम रैंक आ रहा है, पूरा 2 साल इतना मेहनत किया, काफी कुछ इतना स्ट्रगल किया, काफी सब किया, उसके बाद भी मतलब 8-9 हज़ार ही आ पाया, लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तब रैंक आया था 5,000, और जब रैंक आया था ना, जब रिजल्ट आया था तो मैं फैमिली ट्रिप पे गया था मसूरी, तो उधर ही उधर के होटल में एकदम से आया था, और मैं सबको फैमिली वगैरह को बताया, सब काफी खुश हुए, मैं भी मतलब काफी ज्यादा खुश हुआ था, और पूरी ट्रिप मेरी बहुत ही अच्छी गई इसकी वजह से, और पूरी ट्रिप में बहुत एक्साइटमेंट था, उससे पहले ट्रिप इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, टेंशन थी बहुत यार रिजल्ट आने वाला है क्या होगा, तो ये सब। तो चलो विद दैट अपन एंड कर देते हैं अभी, तो मैं इसके चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर चेकआउट करना, उसने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई जेई के लिए, एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाय।